जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे बहुत क्रूशल कॉन्सेप्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और आज की डिस्कशन में जो है हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज का हमारा टॉपिक होगा लुईस कॉन्सेप्ट। और अमूमन ये कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, राइट? तो इसके ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि लुईस कॉन्सेप्ट में जो है वो डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक है, एसिड और बेसिस की। इसके अलावा एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स करने के साथ साथ कुछ मजीद करेंगे कि स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। कुछ खास स्पीशीज हैं जो कि लुईस एसिड और लुईस बेसिस के तौर पे जो है वो एक्ट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो लुईस था इसका पूरा नाम था जीएन लुईस। अब जी एन लुईस का मतलब है गिल्बर्ट न्यूटन। ही वाज नोन एज गिल्बर्ट न्यूटन लुईस। और ये एक बड़ा अपने जमाने का मशहूर साइंसदान था। इसने 1923 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट एसिड एंड बेसिस। लेकिन इससे पहले ये कॉन्सेप्ट्स और भी दे चुका था, जिसमें आप प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए हो, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीनों किस्म की बॉन्डिंग जो है ये आपको एक्सप्लेन कर चुका था पहले। तो लिहाजा जी एन लुईस वाज एन काइंड ऑफ एन आर्टिस्टिकल काइंड ऑफ साइंटिस्ट, जिसने एटम्स को लेकर बहुत सोचा और उनकी बॉन्डिंग को लेकर बहुत सोचा, जैसे कि एटम्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो फिर अब ये फिनोमेना था कि कोई कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, कोई बेसिस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उसने इसके बारे में बताया। तो अगर हम देखें एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में, तो उसने हमने क्लियर कर दिया कि जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस में आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो सब्सटेंसेस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसको उसने क्या नाम दे दिया? एसिड्स का नाम दे दिया। इन द सेम वे सब्सटेंसेस जिनको आप मॉलिक्यूल या आयंस कह सकते हो, विच कैन डोनेट, यहाँ पे लव एक्सेप्ट नहीं आएगा, डोनेट आएगा, ठीक है, आ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप उसको क्या नाम दोगे? बेसिस। लिहाजा एसिड्स क्या है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और बेसिस क्या है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो लिहाजा इसने जो गेम ऑन की, उसने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के चले जाने को, इलेक्ट्रॉन्स के आ जाने को किसी कंपाउंड में, या इलेक्ट्रॉन्स के किसी कंपाउंड से चले जाने को उसने कहा एसिड्स या बेसिस। एसिड उसने कहा कि कोई स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हैं तो वो जो है एसिड्स हैं, और कुछ स्पीशीज जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को दे रही हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को, तो वो खुद भी बताते खुद मॉलिक्यूलर आयन होंगे या कोई मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऐसे देने वाली स्पीशीज जो है। और इसने लुईस ने एक अच्छा काम ये किया कि शायद जो आर्हीनियस की बेसिस थी वो हाइड्रोक्सी रखती थी, लेकिन कुछ ऐसी आर्हीनियस की बेसिस नहीं थी लेकिन वो बेसिस थी, मतलब कहने से मुराद है कि जैसे अमोनिया है, ठीक है, NH3 है, वो आर्हीनियस की बेस नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अब ये प्रॉब्लम था कि इसको बेस कैसे डिक्लेयर किया जाए, तो इसका मसला तो लॉरी ब्रॉफर्ड ने भी हल कर दिया कि भी ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। बेसिस क्या होती है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज होती है। तो लुईस ने भी हल कर दिया। लुईस ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती हैं वो बेसिस हैं, यानी आर्हीनियस के हिसाब से तो अमोनिया बेस नहीं थी, लेकिन लुईस के हिसाब से जो थी वो अमोनिया बेस थी, और वेरी इंटरेस्टिंगली लॉरी ब्रॉसर्ड के हिसाब से भी अमोनिया बेस थी, लेकिन जो आर्हीनियस की बेस थी, जैसे लेट्स से दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस है, ये आर्हीनियस की बेस थी, और आर्हीनियस की जो बेस थी ना वो लॉरी ब्रॉसर्ड की बेस है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और ना ये अब लुईस की बेस है क्योंकि ये लोन पेयर दे नहीं सकती, इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकती। तो लिहाजा ये थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती आ रही है, अब इनके थोड़े आइडियाज में फ्लॉज हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सवाल करते हैं कि सर कौन सा आइडिया जो है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, कौन सा आइडिया जो है वो सबसे ज्यादा हम माने, ताकि हमें भी पता हो कि ये मतलब आइडिया ज्यादा अच्छा आइडिया, मुस्तंद आइडिया है। तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप आर्हीनियस को फॉलो कर लें, यानी ये जिसने सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस कहा, तो यानी इसका वाइडली एक्सेप्टेड आइडिया है। नो डाउट आर्हीनियस के आइडियाज और लॉरी ब्रॉसर्ड के आइडियाज भी जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है,
और उनको भी पजीराई मिलती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे लिए यूज हो रहे हैं आइडियाज वो हैं आर्किमिडीज के, ठीक है। सो अभी हम जो बात करेंगे आपसे एसिड और बेसिस को लेकर बात करेंगे और लेविस की एग्जांपल को डीकोड करने की कोशिश करेंगे, यानी लेविस की एग्जांपल को जो है वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बेसिकली अब टॉपिक के उस सिनेरियो में है, उस हिस्से में है जिसमें अब आपसे हम बेसिकली सही मायनों में लेविस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हम इसमें एग्जांपल देखेंगे कि आखिर हमारे पास दो स्पीशीज हैं, दो कंपाउंड्स हैं, एक का नाम है अमोनिया, ठीक है, दैट इज अमोनिया, अमोनिया अमूमन गैस होती है याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी साइड में हमारे पास क्या है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, दैट इज नोन एज BF3, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड तो कुछ और इसका नाम यही नाम था बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। और ये है अमोनिया, इसके पास लोन पेयर होता है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, याद रखिएगा। ये हमारे पास एक्ट करेगी एज अ बेस, बेस का मतलब है लोन पेयर डोनर, हाँ जी बिल्कुल, लोन पेयर देगी यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये देगी, ये स्पीशी ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी होना, और ये फिर क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एक स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन दे वो क्या है, बेस, ठीक है, वी गोना कॉल इट एज बेस, और जो इलेक्ट्रॉन ले वो क्या स्पीशी कहलाएगी, एसिड, वो एसिड कहलाएगी। तो ये बात तो यहां तक आपको टोटली क्लियर होगी होगी कि एसिड क्या होने वाला है और बेस क्या होने वाला है, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि एसिड क्या और बेस क्या, बस इसको हमने जरा जस्टिफाई करना है, ठीक है। एक मैंने भी लफ्ज यूज किया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आखिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, आखिर वो कैसे है। जैसे देखिए जो बोरॉन है ना पीरियोडिक टेबल का, ये है हमारे पास कोई पांचवा एलिमेंट, ठीक है, बोरॉन जो है वो पीरियोडिक टेबल का कौन सा एलिमेंट है, पांचवा एलिमेंट है। तो आप जो है इधर आकर बैठ जाओ अगर आपको इजी फील हो रहा होगा, जस्ट मूव दिस चेयर और आप यहाँ पर बैठ जाओ। तो बोरॉन जो है वो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल का पांचवा एलिमेंट, तो बोरॉन अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल का पांचवा एलिमेंट है तो B5 और H11 यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, 5 होगा, और मास नंबर जो है वो क्या होगा, 11 होगा। तो अब मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि बोरॉन जो है वो पांचवें नंबर पे है, तो पहले शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और मैं यहाँ पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करके दिखा दिए, यानी कि जो मैंने आपको क्रॉस दिखाए हैं ये भी लेविस डायग्राम कहलाती है, क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 में, मतलब इसी चैप्टर के आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है, हम तो एसिड बेसिस पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 11 बनता है अकॉर्डिंग टू योर बुक, तो उसमें आपने टाइप्स ऑफ फॉर्मूले पढ़े, उसमें फिर टाइप में आपने ये पढ़ा लेविस क्रॉस डॉट फार्मूला, ठीक है। तो लेविस क्रॉस फार्मूला होता है, ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ, लेविस का, लेविस ने खुद ये स्ट्रक्चर बना के समझाया, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन बनाए हैं ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, इतना ये क्या है, आउटर शेल, ठीक है, इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वी यूज्ड टू कॉल इट वैलेंस शेल। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैं फ्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक है, फ्लोरीन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के अंदर, मैंने डॉट लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कितने लगा दिए, डॉट लगा दिए, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फ्लोरीन में, तो मैंने 7 डॉट लगा दिए, और देखें इस वक्त फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8, गुड, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। आपको याद होगा क्लास 9 में आपने ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल पढ़ा था, और ऑक्टेट रूल के हिसाब से आउटर शेल में 8 चाहिए और डुप्लेट रूल के हिसाब से आउटर शेल में 2 चाहिए। तो अमूमन जो हीलियम के करीब एलिमेंट्स होते हैं वो डुप्लेट को फॉलो करते हैं, हाइड्रोजन हो गया वो डुप्लेट फॉलो करता है, हीलियम बताते खुद डुप्लेट है, और उसके अलावा हमारे पास एक और एलिमेंट है लिथियम, वो भी डुप्लेट को फॉलो करता है, फिर चौथे नंबर पे बेरिलियम है, ठीक है, वो भी डुप्लेट को फॉलो करता है, और पांचवें नंबर पे बोरॉन आ रहा है, पांचवें नंबर पे बोरॉन आ रहा है, तो ये भी डुप्लेट को फॉलो करने की कोशिश में रहता है, लेकिन डेफिनेटली ये आगे से फिर नियॉन के करीब भी हो रहा है, 10वें नंबर पे जो एलिमेंट है, तो वो नियॉन को जो फॉलो कर रहा था वो ऑक्टेट को फॉलो करता है। तो लिहाजा आप कह लो कि ये अब कंफ्यूज्ड है कि इधर मैंने हीलियम को फॉलो करना है डुप्लेट के साथ, कि इधर मैंने नियॉन को फॉलो करना है ऑक्टेट के साथ, तो अभी किसको फॉलो कर रहा होगा, अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने आउटर शेल में रख रहा है इसका मतलब वो ऑक्टेट को फॉलो करना चाह रहा है, अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो वो
ऑक्टेट को फॉलो करना चाह रहा है, अगर दो कर रहा है तो इट्स मीन दैट डुप्लेट को फॉलो करना चाह रहा है। लेकिन अभी कंडीशन जो नजर आ रही है मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ तो क्लियर है कि फ्लोरीन किसको फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, फ्लोरीन नौवें नंबर पे आता है। ठीक है, फ्लोरीन इज द नाइन्थ एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, इसका मास तकरीबन कोई 18 है या 19 होगा सॉरी। और जो हमारे पास नियॉन है वो दसवां एलिमेंट है प्रोडक्ट टेबल का, ठीक है, और इसका मास जो है वो 20 है, तो ये इसको फॉलो करता है। तो जो एलिमेंट नौवां है दसवें भी फॉलो करेगा क्योंकि दसवां नंबर तो करीब पड़ रहा है, राइट। तो लिहाजा फ्लोरीन को फॉलो कर गया, नियॉन को अकॉर्डिंग टू दैट ऑक्टेट फॉलो कर गया, और 8 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। अब आउटशेल में यहां पर भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी कितने हैं, तो फ्लोरीन ने तो तीनों एलिमेंट्स ने क्या कर लिया, ऑक्टेट फॉलो कर लिया। बोरोन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 थे, और उसने एक क्या कर लिया, शेयर कर लिया। ठीक है, एक ही शेयर कर सकते हैं क्योंकि फ्लोरीन को एक ही शेयर करना था, क्योंकि अगर फ्लोरीन दो शेयर कर देता उसके पास कितने हो जाते, उसके पास 7 ऑलरेडी थे, दो शेयर कर देता तो उसके पास 9 हो जाते। तो फ्लोरीन ने नॉनिक रूल कोई फॉलो नहीं है, कोई नॉनिक रूल तो होता ही नहीं है। लिहाजा यहाँ पर हम क्या सीन ऑन करने वाले हैं, देखने वाले कि ब्रोमिन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 और 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो लिहाजा बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब 2 अगर रखता तो फिर कहते डुप्लेट को फॉलो करा, 2 तो रखे नहीं, 2 ज्यादा कर दी, कितने कर दी, 6 कर दी, तो 6 भी नहीं कर सकता ना, कितने करेगा सर, 8 करेगा। क्यों, अगर 8 करेगा तो ऑक्टेट पूरा करेगा ना। तो लिहाजा यहां पर बोरॉन क्या हो गया, क्लियर होगी बात। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो लिहाजा ये होगा एक्सेप्टर किसका, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर कहलाएगा। और अब यहां पर हम देखेंगे नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन के पास होते हैं आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन। ये प्रोडक्ट टेबल का 7वां एलिमेंट है, इसका मास नंबर 14 है। तो लिहाजा आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन, तो ये अगर डुप्लेट फॉलो कर गया, हाइड्रोजन डुप्लेट फॉलो कर रहा है, और ये भी डुप्लेट फॉलो कर गया, ये भी डुप्लेट फॉलो कर गया, लेकिन हाइड्रोजन चूंकि 7वें नंबर पे है और 10वें को फॉलो करेगा ना, क्योंकि 7 को 10 नियर पड़ता है, यू नो 7 इज नियरर टू द 10। तो लिहाजा किसको फॉलो करेगा, ऑक्टेट को। नाइट्रोजन किसको फॉलो करेगा, आउटर शेल में कितने हैं, 5, कितने करना चाहेगा, 8 पूरे हैं, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहे, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वी यूज्ड टू कॉल देम एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर्स, दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर्स। ठीक है, उनको आप क्या नाम दोगे, लोन पेयर्स का नाम दोगे, और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दो एटम्स के दरमियान हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल 2 और 2 2 6 6 और 2 8 क्लियर होगी बात। तो लिहाजा 8 इलेक्ट्रॉन इस वक्त नाइट्रोजन के पास मौजूद है, 6 बॉन्डिंग है और 2 नॉन बॉन्डिंग, यानी 1 लोन पेयर मौजूद है और बॉन्ड पेयर कितने मौजूद है, 3। लोन पेयर कितने, 1, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कह सकते हैं, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 1 है। तो ये कहानी हमें यहाँ पर क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है और आइडिया हो रहा है, और लोन पेयर जो है हमें समझ में आ रहा है कि ये नाइट्रोजन के पास मौजूद है। अब सीन पता क्या होता है, अब सीन बड़ा दिलचस्प है जो मैं आपको समझाता हूँ। यहां पर जो नाइट्रोजन है ना, ये क्या करेगा पता है आपको, क्या करेगा पता है नाइट्रोजन आपको, ये अपना लोन पेयर शेयर कर देगा किसके साथ, यस लुक एट दैट, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये उसके पास लोन पेयर है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और ये तो मतलब ठीक है, ये मैं क्रॉस बना रहा हूँ, आई शुड मेक ओवर हियर द सो रफ, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ हियर द इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, और ये कितने हो गए, हाइड्रोजन की तरफ से हो गए 1-1 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्टेट पूरा हो गया नाइट्रोजन का। लेकिन नाइट्रोजन अच्छा लोन पेयर डोनर है, एक बेस है लिविस की, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे वो क्या है, बेस, अकॉर्डिंग टू लिविस बेस है। तो
तो लिहाजा ये बेस है। और यहां पर देखिए आप, बोरॉन ने क्या किया था, उसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया था किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लियर। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि ये फिर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। अब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। और दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो ये भी बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, उसमें लोन पेयर काफी है वैसे, राइट। लेकिन चूंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए ये क्या बन गया, एसिड बन गया। क्यों एसिड बन गया, क्योंकि इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये शक्ल ले लेता है बॉन्ड पेयर की, लुक एट दैट, दो एटम्स के दरमियान फिर दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये डोनर हो जाता है नाइट्रोजन, और बोरॉन क्या हो जाता है, एक्सेप्टर। नाइट्रोजन क्या हो गया, डोनर, और बोरॉन क्या हो गया, एक्सेप्टर। तो ये कहानी है, मूवमेंट स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती, लिहाजा आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन और ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, और देखें अब क्या हो गया, ये हमारे पास मैंने एरो बना दिया, हेड लगाया मैंने एक्सेप्टर की तरफ, टेल लगाई मैंने डोनर की तरफ। अब देखें जरा ये शेयर हो गया ना, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब यहां पर यू नो कोऑर्डिनेट कॉलम बॉन्ड डेवलप हुआ है। क्यों, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए हो, ये एक ऐसा बॉन्ड बना दोनों के दरमियान जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए। लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का था, एक फ्लोरीन का था, तो ये था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये क्या था, सिंगल कोवलेंट। लेकिन यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए, और शेयर कर लिए किसके साथ, बोरॉन के साथ। तो दैट इज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, है कोवलेंट शेयर ही हुआ है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट कौन है, सिर्फ नाइट्रोजन है। अब लोन पेयर किसमें कन्वर्ट कर दिया, क्या बॉन्ड पेयर में, ये बात समझने वाली है, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया क्या, तो दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन यहां पर लेविस ये बात करते हैं कि देने वाला बेस और लेने वाला बेस, ये अपने आईडिया को यहां से क्लियर कर देता है, और कहता है जो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज होती हैं वो हमेशा बेस की तरह बिहेव करती हैं। वो कहता है जिसके पास भी लोन पेयर होगा, जैसे H2O है, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं पानी के पास, इसने इसको कहना ये बेस है, ठीक है। जिस तरह यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, ये एक और एग्जाम्पल है, अब हाइड्रोजन आयन है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये आयन लेविस का एसिड है। और याद रखो आयन कौन देता है, एसिड से देते हैं ना आयन, ये आयन पानी में कौन निकालता है, एसिड से निकाल रहा है, ये आयन आया कहां से, दैट केम्स फ्रॉम द एसिड, तो लिहाजा ये हुआ ना एसिड। और कहते हैं ये एसिड होता क्यों है, क्योंकि इसके आयन में दो इलेक्ट्रॉन जो लेने तो ये अजीब अजीब सी कहानियां, अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट जो है ये बाय द साइंटिस्ट एक्सप्लेन किए गए। आज जब हम इनका पंडोरा बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें पता लगता है अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी था, ओ ये भी होता है। अ लॉट ऑफ थिंकिंग इज बीन गोइंग ऑन, यू नो, अ लॉट ऑफ आइडियाज, अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो जा रहे होते हैं। सो ये देखो इसके पास कितने हो गए, दैट मेक्स एन आइडिया, ऑक्टेट पूरा कर लिया बोरॉन ने, और इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये देखिए इसके पास तो अभी भी आठ है, बस इसमें फर्क क्या पड़ा, क्या हुआ इसमें नाइट्रोजन में, कि पहले इसके पास वो लोन पेयर था, अब वो क्या बॉन्ड पेयर, मतलब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया शेयरिंग के लिए, और दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर, ठीक है। इस तरह ही मैं आपको एक और एग्जाम्पल जल्दी से समझा सकता हूँ, और आई होप आपकी समझ में आ जाएगी, बहुत जल्दी से आ जाएगी। दैट इज अगेन वंस अगेन हम क्या करते हैं, अमोनिया ले लेते हैं, उसका लोन पेयर ले लेते हैं, और साथ किसके रिएक्शन कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन के, और क्या सीन होने वाला है, ये लोन पेयर किसको चला जाएगा, हाइड्रोजन आयन को, या साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्लियर ना, तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, साथ ही नाइट्रोजन और लोन पेयर है, नाइट्रोजन और लोन पेयर है, और ये लोन पेयर किसको चला गया, हाइड्रोजन, ये खत्म हो गया चार्ज, और एज अ होल पूरे यूनिट के ऊपर चार्ज है। तो ये बन गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये डोनर हो गया और ये एक्सेप्टर। अब तुम कहोगे सर आखिर हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन लिए क्यों, ये देखो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस किसका, हाइड्रोजन का, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं, तो अगर हाइड्रोजन के पास पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन तो हाइड्राइड आयन कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, हाइड्राइड आयन, ठीक है। लेकिन मजे की बात है उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होते,
इट डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ना हो तो न्यूक्लियस तो होता है ना, दैट मेक्स प्रोटॉन, क्यों पॉजिटिव वन भी हो गया, क्यों, अगर बेसिकली ये होता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रल एटम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया हाइड्राइड है, एक इलेक्ट्रॉन था वो चला गया हाइड्रोजन है, समझ गए, अब देखो मेरी बात सुन, एक इलेक्ट्रॉन था जो वो चला गया तो क्या बना हाइड्रोजन आयन, अब देखो ना दो इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए इस शेल को, तो फिर वो नॉन पेयर एक्सेप्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता, दैट मेक्स एन आइडिया कि जो हाइड्रोजन है वो लोन पेयर लेगा फ्रॉम द नाइट्रोजन, सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ लुईस बेस एंड दैट इज द लुईस एसिड, तो इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सो आगे कुछ मजीद एग्जाम्पल्स करते हैं जल्दी से बिकॉज इट्स बीइंग क्वाइट लॉन्ग, और जल्दी से इन एग्जांपल्स को करके हम इस टॉपिक को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, और आज हमने क्लियर कर दिया कि लुईस एसिड क्या होता है और लुईस बेसिस क्या होती हैं, हमने ये क्लियर कर दिया कि लुईस एसिड्स वो स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं और लुईस बेसिस वो स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकती हैं, लॉरेंट ब्रॉन्स ने समझा कि जो आयंस दे सकती हैं ले सकती हैं, आर्हेनियस के कांसेप्ट में समझा जो हाइड्रोजन आयन दे सकती हैं हाइड्रोक्सी आयंस दे सकती हैं पानी में एक्वस सॉल्यूशन में, पानी को वो ले रहा था एज अ मीडियम, उसकी लिमिटेशन भी है, आर्हेनियस की लिमिटेशंस है कि वो उसको पानी चाहिए अपना आइडिया क्लियर करने के लिए, यानी वो ऐसे कंपाउंड जो पानी में हल नहीं होते, अगर वो एसिड है बेस है ये कैसे पता लगेगा, तो ये लिमिट लग गई आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को, इसके अलावा कुछ कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये अब लुईस के ना एसिड है आर्हेनियस के ना एसिड है ना आर्हेनियस के बेस है, तो ये आर्हेनियस के लिए एक प्रॉब्लम है, तो ये दो तीन लिमिट्स जो है वो लगी हुई है, तो वो आप मेरा लेक्चर जरूर सुनिएगा लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, वहां पर मैंने सारी बातें की हैं, तो अब आगे चलते हैं मजीद हम एग्जांपल्स ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स की तरफ, मुख्तलिफ कंपाउंड्स की बात करते हैं कि कौन से आर्हेनियस एसिड्स हो सकते हैं और कौन से आर्हेनियस बेसिस हो सकते हैं, ओके सो लुईस एसिड्स और लुईस बेसिस जो है वो क्या होते हैं, सबसे पहले लुईस एसिड्स की बात कर लेते हैं, लुईस एसिड्स में मैं कहूंगा आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो डेफिशिएंट हो जिनके पास सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में क्या था कि जो हमारे पास सेंट्रल एटम था बोरॉन उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे सेंटर में 6 इलेक्ट्रॉन थे, बाकी आपको पता है कि फ्लोरीन के ये लोन पेयर्स थे, यू नो इन सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 6, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, सेम इस तरह की केस में आप ले सकते हो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को, उसमें क्या होगा कि ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम है इसके सेंट्रल एटम में भी कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है, यानी एल्यूमिनियम जो है इसके ऑर्बिटल में, क्योंकि एल्यूमिनियम भी जो है ये सेम ग्रुप मेंबर है, एल्यूमिनियम बोरॉन की तरह कह लेंगे बोरॉन ऊपर है और एल्यूमिनियम उसके नीचे है, एल्यूमिनियम के आउटर शेल में कितने हुए 3 हुए, लिहाजा 1, 2, 3 और यहां पर क्या लग जाएगा क्लोरीन आकर लग जाएगा, क्लियर, क्लोरीन के पास आउटर शेल में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिहाजा इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का सिनेरियो ऑन है, आउटर शेल में इसके कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस तरह ही आप आयरन क्लोराइड को भी ले सकते हैं FeCl3, इसके भी आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका स्ट्रक्चर भी इन दोनों की तरह का होगा, तो लिहाजा ये हो गए ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, यानी दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इसमें आप बोरॉन ट्राइक्लोराइड को ले रहे हो दैट इज एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को ले रहे हो और फेरिक क्लोराइड को ले रहे हो या आयरन ट्राइक्लोराइड को ले रहे हो या फेरिक ट्राइक्लोराइड को ले रहे हो, फेरिक क्लोराइड भी आपको क्या, उसके बाद हमारे पास साइंसदान ये समझते हैं स्पेशली लुईस ने कहा कि हमारे पास कुछ और स्पीशीज भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे मॉलिक्यूल जो कि केटाइंस कहलाते हैं, अब आपको पता है केटाइंस की अगर हम बात करें तो पोटाशियम आयन सोडियम आयन और कैल्शियम आयन ये सब क्या है केटाइंस है, ठीक है ना, एग्जैक्टली जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया और सिल्वर आयन हो गया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ये जो ये ऊपर वाले जो केटाइंस है ना इनके पास बड़ी वीक टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने, अगर इनके पास टेंडेंसी वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ये एसिड्स तो होंगे लेकिन लुईस के वीक एसिड्स होंगे, लेकिन ये वाली स्पीशीज जो कि हाईली एक्सेप्टेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन, यानी आप जब इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो ये जल्दी एक्सेप्ट करेंगे और ये लेट एक्सेप्ट करेंगे,
तो लिहाजा ये ज्यादा अच्छी टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो लिहाजा मैं कहूंगा कि ये क्या होंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, ठीक है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट लिवर एसिड्स। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे न्यूट्रल स्पीशीज की, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिस की बात कर रहे हैं आपसे हम, लिविस बेसिस की मॉलिक्यूल्स, तो लिविस के जो बेसिस हैं उनमें आप ले लो अमोनिया को लो, जिसकी भी एग्जांपल्स आपने की है, मैंने आपको वाटर नॉमिनेट कर दिया है लिविस बेस, तो आपने लिविस को वाटर को नहीं भूलना। इसके अलावा आप अल्कोहल्स को ले सकते हो, जनरल फॉर्मूला आपने अल्कोहल्स का अगले चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज अल्कोहल्स, जनरल फॉर्मूला। लेकिन जो भी अल्कोहल हो उसके अंदर आपको क्या नजर आएगा, ऑक्सीजन नजर आएगा, ऑक्सीजन में आपको दो लोन पेयर नजर आएंगे, ऑक्सीजन नजर आएगा, ऑक्सीजन में आपको दो लोन पेयर नजर आएंगे। इस तरह आप एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे अल्काइलामिन्स ले लो, अल्काइलामिन्स भी आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, और अल्काइलामिन्स में भी क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन है इसमें, यहाँ पे भी अगर नाइट्रोजन भी आपको लोन पेयर नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन की आपको लोन पेयर, तो ये भी लिविस बेस है, दैट इज अल्काइलामाइन्स। तो ये बात समझने की है, थोड़ा सा जरा अगर आप देर में थोड़ा सा वजन डालें तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि ये लिविस बेसिस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर रखती हैं, लोन पेयर रखती हैं, लोन पेयर रखती हैं, लोन पेयर रखती हैं, लोन पेयर रखती हैं, और जो स्पीशीज न्यूट्रल स्पीशीज लोन पेयर रखती हैं वो क्या है, लिविस बेसिस। इसके अलावा अगर आप मजीद एग्जाम्पल्स को जानना चाहें तो उसमें आप यहाँ पर एनायंस को आपने नॉमिनेट कर, कैटायंस को आपने नॉमिनेट कर दिया, तो यहाँ पे मैं एनायंस को ले लूंगा। अब एनायंस क्या हो सकते हैं लिविस बेसिस, द आंसर इज यस। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोराइड हो गए, साइनाइड हो गए, हाइड्रोक्साइड हो गए, ठीक है, क्लोराइड हो गए, साइनाइड हो गए, हाइड्रोक्सी हो गए, अब ये क्या है, कैटायंस है, सॉरी एनायंस है। तो ये एनायंस क्या है जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, किसी दूसरी स्पीशी के पास जाएंगे उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी स्पीशी के पास जाएंगे उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और जब उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो लिहाजा इनको आप कहोगे कि ये क्या है, लिविस बेसिस। तो लिहाजा कंपेरिजन मैंने वीडियो के आगाज में कर दिया था आपसे कि जो आर्गेनियस के एसिड बेसिस हैं, मतलब जो आर्गेनियस की बेसिस हैं वो ना लॉरिप्रोसिड की बेसिस हैं और ना लिविस की हैं, और जो लिविस की बेसिस हैं वो लॉरी प्रोसेस की बेसिस हैं लेकिन आरिनियस की नहीं, क्योंकि आरिनियस ने पंगा डाला हुआ है कि सोडियम के साथ मतलब बेस में होना चाहिए हाइड्रोक्सी, लेकिन ये शर्त नहीं लगाते हाइड्रोक्सी होना चाहिए, हाँ ये आरिनियस की शर्त है, क्योंकि बेस के पास अगर हाइड्रोक्सी होगा वो पानी में डालोगे हाइड्रोक्सी दे देगी, पानी में हाइड्रोक्सी बढ़ जाएंगे, पानी में जब हाइड्रोक्सी बढ़ जाएंगे तो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, मतलब बेसिसिटी क्रिएट हो जाएगी, तो हाइड्रोक्सी होगा तो पानी को हाइड्रोक्सी दिया जाएगा ना, अगर हाइड्रोक्सी है ही नहीं तो पानी को हाइड्रोक्सी कहां से देना है, तो लिमिटेशन लगाई है आर्गेनियस ने कि भाई बेस के पास क्या होना चाहिए हाइड्रोक्सी। लेकिन उन्होंने कहा, फिर साइंसदानों ने कहा कि भाई अमोनिया जैसी बेसिस, ये जो बेसिक करेक्टर अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास अल्काइलामाइंस जो है वो बेसिस की तरह बिहेव कर रही है, हमारे पास अमोनिया बेसिस की तरह बिहेव कर रही है, हमारे पास इवन अल्कोहल्स भी जो है वो बेसिस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनको बेसिस कैसे डिक्लेयर किया जाए, तो फिर इनको लिविस कॉन्सेप्ट की मदद से और लॉरी ब्रॉन्सर्ड कॉन्सेप्ट की मदद से बेसिस जो है वो डिक्लेयर किया गया, और फिर इनका जो नजरिया था कि बेसिस कौन कौन सी और क्या क्या हो सकती हैं, उनको फिर एसिड और बेसिस डिक्लेयर कर दिया गया इन कॉन्सेप्ट की बेसिस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, ये था लिविस कॉन्सेप्ट, ये था आर्गेनियस लॉरी ब्रॉन्सर्ड और लिविस के मुवाजने जो मैंने आपसे किए, आगे लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट्स भी हैं और शहाब कॉन्सेप्ट्स भी हैं और वो आपको आगे बीएससी की क्लासों में इंशाल्लाह हम सिखाएंगे, लेकिन यहाँ तक के लिए भी मैं आपको इतना ही बताऊंगा। सो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज जो है वो आपको इस चैनल पर मिलेंगी, न्यूज़ भी मिलेगी आपको एजुकेशनल, और इसके अलावा मज़ीद आपको एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के आंसर मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, तो बहुत सा मवाद जो है आपका एजुकेशन का इस चैनल पे आपको मिलेगा। सो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और अगर मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं सारी बातों की तो अभी डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, और सारी डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स दिए हुए मैंने एक सीक्वेंस के साथ,
उन लिंक्स को आप फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कि बात पूछना चाहते हैं, तो अभी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। और इसके अलावा आपको अगर कोई बात जो है अपने दोस्तों तक पहुंचानी है, तो मेरी इस वीडियो के थ्रू पहुंचा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सा डाटा मैंने जो शेयर किया अपने दोस्तों को भी पहुंचाया, अपनी पूरी क्लास को बताया मेरे बारे में, ताकि उनका भी आइडिया क्लियर हो, उनके भी नंबर ज़्यादा पूर्ण पे हैं, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाते ही वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।